जय भीम साथियों, नमो बुद्धाय। दोस्तों, फेमस इंडियन फिलोसोफर ओशो का मानना था कि धर्म कायरो की बस की बात नहीं है। कायरो के लिए तो धर्म अभियान है, अंधविश्वास है, राजनीति है, ऊंच नीच है, आत्म मुग्धता है, आत्म अहंकार है। ओशो जब भी धर्म पर बोले हैं, तब तब उन्होंने बौद्ध धर्म को विशेष सम्मान दिया है। हमारे देश के कुछ तथाकथित विद्वानों ने जितनी कुशलता मिस्र के प्राचीन इतिहास को खोजने में लगाई है, उससे कहीं ज्यादा ऊर्जा इन विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास को दबाने और तबाह करने में लगाई है, और उसके ऐतिहासिक सबूत भी मौजूद हैं। BBS का यही प्रयास है कि उस खोए हुए भारतीय इतिहास से आपका परिचय सामान्य भाषा में करवाया जाए। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे लिए इससे ज्यादा शर्मनाक और भला क्या हो सकता है कि हमारे अपने देश का प्राचीन इतिहास अंग्रेजों द्वारा सामने लाया गया। आज की ये वीडियो भी ऐसे ही एक अंग्रेज की है जो 20 साल की छोटी सी उम्र में भारत आया और 41 साल की उम्र यानी सिर्फ 21 साल में बुद्ध और अशोक से संबंधित प्राचीन भारत के इतिहास का परिचय दुनिया से करवाकर दुनिया से विदा हो गया। यकीनन आप इन्हें पहचान चुके होंगे। जी हाँ, हम प्रिंसेप जेम्स की बात कर रहे हैं। इनका जन्म 20 अगस्त 1799 में इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने अपने कार्यकाल के 21 साल में जीवन को रात दिन कार्य करने की वजह से 42 साल का बना लिया था। वो दिन में अपनी सरकारी नौकरी करते और फिर पूरी रात जागकर बुद्ध और अशोक के प्राचीन इतिहास की खोज करते थे। बात तब की है जब लखनऊ मिंट में सोने और चांदी के सिक्के बनाए जाते थे। इसी टकसाल में प्रिंसेप जेम्स अधिकारी थे। यहीं पर उन्हें कुछ स्थानीय लोगों ने अपने खेतों में खुदाई के दौरान मिले कुछ प्राचीन सिक्के दिखाए। बारीकी से अध्ययन करने के बावजूद उन्हें ना तो इन सिक्कों पर अंकित भाषा समझ आई और ना ही तस्वीर। इस समय भारत में पंडितों और मौलवियों को ही विद्वान माना जाता था। प्रिंसेप फारसी और रेख्ता भाषा के जानकार थे, लेकिन सिक्कों पर अंकित भाषा कुछ और ही थी। उन्होंने अनेकों पंडितों से इस भाषा की जानकारी चाही, लेकिन पंडितों ने इसे ब्राह्मी लिपि बताया, पर वो इस लिपि को पढ़ नहीं पाए। प्रिंसेप परेशान हो गए कि ब्राह्मी लिपि को खुद ब्राह्मण नहीं पढ़ पा रहे थे। वो समझ गए कि जरूर दाल में कुछ काला है, ये लिपि ब्राह्मी लिपि नहीं है। वो जल्द ही जान गए कि पंडित उन्हें गलत और भ्रामक जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने इस विषय में अपने अंग्रेज अधिकारियों से जानकारी मांगी। नेपाल के न्यायालय में ब्रिटिश राजदूत ब्रायन होजसन ने उन्हें उत्तरी बिहार के बेलिया में पाए गए एक स्तंभ की प्रतिलिपि भेजी। प्रिंसेप ने इन्हें दिल्ली और बिहार में मिले शिलालेखों के साथ रखा और इनका गहन अध्ययन किया और लिखा कि सभी तीन शिलालेख पर लिखी लिपि एक ही है, लेकिन अभी तक भी वो इसे समझ नहीं पाए थे। अगले 4 वर्षों में उन्होंने ऐसे लोगों का एक बड़ा नेटवर्क विकसित किया जो उन्हें कई दिलचस्प जानकारी भेजते रहते थे। ये व्यापारी, सैन्य अधिकारी, डॉक्टर और इतिहास में रुचि रखने वाले लोग थे। महाराजा रंजीत सिंह के फ्रेंच जर्नल जे बपित्से वेंतुरा ने रावलपिंडी में उत्खनन में प्राप्त कुछ अभिलेख जेम्स के पास पढ़ने के लिए भेज दिए। अब भारत के कई स्तंभ लेखों की जानकारी उनके पास आने लगी। वे रोज 18 से 20 घंटे इन्हें पढ़ने का अभ्यास करते। इनका अभ्यास करते हुए प्रिंसेप को सबसे पहले दानम शब्द कुछ खास लगा और फिर खोज हुई इस शब्द की, क्योंकि ज्यादातर लेखों का आखिरी शब्द दानम ही था। 1837 में कुछ महत्वपूर्ण सुराग सामने आए, लेकिन ये पर्याप्त नहीं थे। प्रिंसेप के सुझाव पर इलाहाबाद के एक सैन्य इंजीनियर कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने मध्य भारत के जंगलों से होते हुए भोपाल के सांची नामक गांव में पुरातात्विक अवशेषों की खोज की। यहां के मुख्य शिलालेख के साथ कैप्टन स्मिथ ने प्रिंसेप को मुख्य स्तूप के चारों ओर पत्थर की रेलिंग पर पाए गए अस्पष्ट लेखन के कुछ टुकड़े भेजे। उन्होंने देखा कि अधिकांश शिलालेख उन्हीं दो अक्षरों के साथ समाप्त होते थे जिन्हें उन्होंने दानम के रूप में समझा था।
और धीरे धीरे बाकी चीजें स्वयं प्रकट होती गई। अंततः 1838 में भारत की सबसे प्राचीन लिपि को डीकोड कर लिया गया। उन्होंने उसकी वर्णमाला तैयार करवाई। कुछ अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी शब्द बार बार पढ़ने को मिला, लेकिन यह संबोधन किसके लिए किया गया था यह पता नहीं चल रहा था। तब बौद्ध ग्रंथ महावंश से उन्हें पता चला कि यह श्रीलंका के राजा का नाम है। फिर सोचा कि श्रीलंका के राजा ने भारत में इतने सारे स्तंभों और अभिलेखों को क्यों बनवाया, इतने अभिलेख क्यों लिखे गए। तब उनके मित्र जॉर्ज टर्नर से प्राप्त पाली त्रिपिटक उन्हें प्राप्त हुई और फिर बौद्ध ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद वे जिस निष्कर्ष पर पहुंचे वो चौंकाने वाला था। देवनाम प्रियदर्शी ये उपाधि धारण करने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत का सम्राट अशोक है, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का पोता है, और शिलालेखों पर लिखे लेख कुछ और नहीं बल्कि सम्राट अशोक की राज आज्ञाएं हैं। उन्हें अपनी इस उपलब्धि पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच था। उनकी मेहनत रंग लाई थी। भारत से प्राप्त संपूर्ण अभिलेखों और साक्ष्यों को जब जेम्स ने अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया तो पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक हो गई, क्योंकि अब तक भारत के पास इतिहास के नाम पर कुछ मिथ ग्रंथ ही थे जिनमें लिखी बातें काल्पनिक थी। लेकिन अब भारत के पास अपना प्राचीन गौरवशाली इतिहास मौजूद था, और मौजूद था विश्व विजेता सम्राट अशोक और उनका समृद्ध शासन। अब जेम्स अफगानिस्तान और पेशावर में मिले अभिलेखों का अध्ययन करने लगे। रोज इसी शोध कार्य में लगे रहने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता चला गया। उनकी सेहत बिगड़ने लगी, उन्हें तेज सरदर्द रहने लगा। इंग्लैंड में उन्हें इलाज के लिए बुलाया गया, लेकिन 22 अप्रैल 1840 को 41 वर्ष की अल्प आयु में जेम्स प्रिंसेप ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बाद उनके कार्य को उन्हीं के शिष्य और मित्र सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने आगे बढ़ाया। इस विषय पर आप हमारा ये वीडियो देख सकते हैं जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। प्रिंसेप के सम्मान स्वरूप कोलकाता में हुगली नदी के किनारे एक शानदार प्रिंसेप घाट बनवाया गया। इंग्लैंड की सरकार ने भारतीय लिपि पुरातात्विक महत्व के कार्य और उनके संरक्षण की याद में एक मेडल का नाम उनके नाम पर रखा। प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक जॉन रॉयले ने उनके सम्मान में एक वनस्पति का नाम प्रिंसिपिया रखा। 1771 में भारत में आए जेम्स प्रिंसेप के बाद उनकी चार पीढ़ियों ने भारत को ही अपना घर बनाया। थैंक्स प्रिंस, वी आर ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू सर। दोस्तों, BBS आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।